डॉक्टर विवेकानंद पंडा क्लिनिकल डायरेक्टर एंड एचओडी नेफोलोजी यूनिट के आर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आपण जानते किडनी रोगी संख्या धीरे धीरे बढ़िवे चलती कहीं यार कारण पांचटी मुख्य कारण कौन जो किडनी रोगी संख्या कहीं बढ़िवे लगी गोटे आप मुख्यतः जानते डायबिटिस जेहेतु आप डायबिटिस रोगी संख्या देखते बढ़ी बढ़ी चलती तेणु डायबिटिस वाला गोटे किडनी रोग मुख्य कारण तेणु जेहेतु डायबिटिस रोगी संख्या बढ़ी किडनी रोग से अनुसार बढ़ी। द्वितीय हूँ ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन किडनी रोग गोटे मुख्य कारण देखो हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप रोगी संख्या धीरे धीरे बढ़िया लगी से लोके किडनी रोग से आक्रांत होती। तृतीय हूँ क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जोटा कि ग्लोमेरुलर डिजीज जोटा गोटे इम्यूनोलॉजिकल डिजीज जोटा कि किडनी को आक्रांत कैर पिला बड़े बड़ लोक भी धीरे धीरे सिकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज परिणत हुए। फोर्थ हूँ फैमिलियल किडनी डिजीज जोटा कह जाए एडीपीकेडी आउ के फैमिलियल डिजीज अच्छी जो थे कि लोक मैंने किडनी रोग से आक्रांत हमें से फैमिली से बाप पुओ को जाए पुता पु को जाए एमती से आक्रांत हमें लोक मैंने। फिफ्थ हूँ क्रोनिक एनाल्जेसिक एब्यूज जो देखिए बहुत पेन किलर टेबलेट खाती बहुत दिन धरी खाती दुईट किडनी एफेक्ट होता है। सिक्स्थ डिज हूँ गोटे हूँ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस से कतोटी जगार देखा जाए आउ गोटे हूँ पानी प्रॉब्लम थी जोटा कि हेवी मिनरल्स एंड हेवी मेटल जो थाए देह ये पानी से आपड़ी को एफेक्ट कर संभावना अच्छी। यही सब मुख्यतः किडनी रोग मुख्य कारण।